आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। राजा पीटर के डॉन बनने की कहानी। कभी टाटा का कर्मी था, फिर कैसे संलिप्त हो गया हत्या, लूट और रंगदारी में। रमेश सिंह मुंडा की हत्या के पीछे थे 12 कारण। पैसा, बंदूक नहीं देने और जेएलटी के तमाड़ में प्रवेश से बौखला गया था कुंदन। रमेश सिंह मुंडा ने पुलिस को लगा दिया था कुंदन के पीछे। माओवादियों के घृणित कारनामों पर लगातार प्रहार कर रहे थे मुंडा, एक एक कर हत्या के 12 कारणों की पड़ताल। गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर के एक सामान्य युवक से राजनीतिक डॉन बनने की कहानी बिल्कुल फिल्मी है। राजा पीटर के पिता के एम पातर आदिवासी समाज में बहुत ही लोकप्रिय थे। उनका नाम था, सम्मान था, शोहरत थी, प्रतिष्ठा थी। इलाके के लोग उनके आचरण और व्यवहार के कायल थे। वे टाटा स्टील में सुपरवाइजर पद पर नौकरी करते थे। उन्हीं का पुत्र है राजा पीटर। बचपन में पीटर भी अच्छा इंसान बनना चाहता था। 1979 में उसने टाटा स्टील में ट्रेड अप्रेंटिस की परीक्षा दी थी। आदिवासी मूलवासी कैटेगरी में वो परिणाम में अव्वल रहा था और उसने कर्मचारी के रूप में टाटा स्टील में नौकरी ज्वाइन कर ली। इसके बाद उसने मनीषा उर्फ बेला खेस से शादी कर ली। उसकी दुनिया आबाद हो गई और राजा पीटर भी खुश था। महत्वाकांक्षी होने के कारण उसकी जान पहचान कुछ गलत लोगों से भी हो गई थी। इसी क्रम में उस समय जमशेदपुर के कुख्यात अपराधी यूनुस से भी उसकी मेलजोल हो गई। अपराधी यूनुस का सहयोगी था शेखर शर्मा। जमशेदपुर के अपराध की दुनिया में उसका भी नाम था। कहते हैं एक दिन राजा पीटर दोस्ती में उसे अपने घर लेकर आया। उसकी कुदृष्टि उसकी पत्नी पर पड़ गई। उसने पीटर की पत्नी के साथ छेड़छाड़ कर दी। ये बात राजा पीटर को नागवार गुजरी और उसने शेखर शर्मा को चेताया कि ये सब ठीक नहीं है। इस पर शेखर शर्मा तन गया। उसने राजा पीटर को भी धमकी दे डाली। उसने उसके ऊपर हाथ भी छोड़ दिया था। यही वो घटना है जिसने गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर की सामान्य जिंदगी में विष घोल दिया और उस जैसे सामान्य युवक को अपराध की दुनिया में ठकेल दिया। राजा पीटर इस घटना के बाद तनाव में रहने लगा। वो हर समय शेखर शर्मा से बदला लेने की फिराक में रहता था। इस क्रम में उसने कुछ युवकों का एक गैंग भी बना लिया। एक दिन शेखर शर्मा की हत्या हो गई। उसकी हत्या का आरोप राजा पीटर पर लगा और उसे जेल भेज दिया गया। फिर तो वो अपराध की दुनिया के दलदल में धंसता चला गया। जमशेदपुर में एक समय अपराधियों की तूती बोलती थी। टाटा स्टील के स्क्रैप के धंधे में बड़े बड़े कुख्यात अपराधी संलिप्त हो गए थे। राजा पीटर के पांव भी उस तरफ चले गए। हत्या, लूट, रंगदारी और मर्डर के केस उस पर चलने लगे। कुछ दिन के बाद वो जमानत पर बाहर आया। उस समय तक जमशेदपुर में अपराध चरम पर था। हत्या, लूट, बलात्कार, गैंगवार और रंगदारी आम बात हो गई थी। 1995 में जमशेदपुर में डॉक्टर अजय कुमार को एसपी बनाया गया। उन्होंने ऐसा अनुशासन और कड़ाई का डंडा चलाया कि बड़े बड़े अपराधी अपनी जान बचाने के लिए जमशेदपुर से भाग गए। उसी क्रम में राजा पीटर को भी उन्होंने जिला बदर कर दिया और वो अपने पैतृक गांव तमाड़ के कमारप्पा आ गया। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। शेखर हत्याकांड और मुकदमों की कानूनी लड़ाई में उसके बहुत पैसे खर्च हो गए। फिर वो कुछ पैसे की खातिर नेताओं के आगे पीछे करने लगा। उसका भाजपा के नेता अर्जुन मुंडा से भी परिचय था। कभी कभी वो उनके पास जाता भी था। अर्जुन मुंडा के प्रभाव को देखकर उसके मन में नेता बनने की ललक जागृत हुई और उसने तमाड़ में घूमना फिरना शुरू किया। उसने एक बार कहा भी था कि उसे अर्जुन मुंडा की तरह बड़ा नेता बनना है। इसी क्रम में गवाही और साक्ष्य के अभाव में वो शेखर हत्याकांड मामले से बरी हो गया। डॉक्टर अजय कुमार के जमशेदपुर से हटते ही उसने फिर टाटा आना जाना शुरू किया। तब तक उसकी पहचान एक दबंग व्यक्ति के रूप में हो चुकी थी। उसी दबंगई का फायदा उठाते हुए उसने डरा धमका कर कुछ ठेकेदारों से लेवी लेनी शुरू कर दी। उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगी। टाटा से वो तमाड़ आता और लोगों के साथ मेल जोल पढ़ाता।
अपने लंबे लंबे बाल और अपनी खास स्टाइल के कारण वो क्षेत्र में चर्चित हो गया। उस समय तक जंगल में कुंदन पाहन भी काफी चर्चित हो गया था और राजा पीटर को यह बात पता थी कि बगैर कुंदन पाहन के संरक्षण के वो जंगल में प्रवेश नहीं कर सकता। राजा पीटर ने वर्ष 2003 में उसने नक्सली कुंदन पाहन से अपनी जान पहचान बना ली। उसके बाद वो नियमित रूप से बारीगढ़ा और ससांग जंगल जाने लगा। वो कुंदन पाहन को नियमित रूप से सूचनाएं देता था। धीरे धीरे वो कुंदन के काफी करीब हो गया। 2005 में उसने तमाड़ विधानसभा चुनाव में अपना भाग्य भी आजमाया। रमेश सिंह मुंडा के हाथों उसकी हार हो गई। फिर क्या था, उसी समय से उसने रमेश सिंह मुंडा को अपने निशाने पर ले लिया। वो जानता था कि इलाके में रमेश सिंह मुंडा का जितना प्रभाव है और राजनीति में वो माहिर खिलाड़ी हैं, उनके रहते वो तमाड़ से विधायक नहीं बन सकता। फिर तो उसने तय कर लिया कि हर हाल में वो रमेश सिंह मुंडा को अपने रास्ते से हटाएगा। वो पूरी तरह से कुंदन के साथ रहने लगा। जरूरत पड़ने पर वो कुंदन की मदद भी करता था। पुलिस प्रशासन में राजा पीटर की अच्छी पैठ हो गई थी, उसका फायदा उसको मिलता था। कई बार उसने कुंदन को पुलिस की गिरफ्त से बचाया। यही नहीं, क्षेत्र की सूचनाएं भी वो कुंदन पाहन को देता था। राजा पीटर कुंदन पाहन के इतना करीब चला गया कि रमेश सिंह मुंडा की चिंताएं बढ़ गई। कुंदन पाहन एक तरह से रमेश सिंह मुंडा का दुश्मन बन गया। कुंदन पाहन और राजा पीटर की गतिविधियों को देखते हुए रमेश सिंह मुंडा को एहसास हो गया कि इस स्थिति में तमाड़ से चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने तय कर लिया कि इस क्षेत्र से राजा पीटर को हर हाल में कमजोर करना होगा और राजा पीटर तब तक कमजोर नहीं हो सकता जब तक कुंदन पाहन कमजोर नहीं होगा। 2005 के बाद रमेश सिंह मुंडा की राजा पीटर और कुंदन पाहन से खटपट हो गई और उन्होंने पुलिस प्रशासन को कुंदन पाहन के पीछे लगा दिया। यहाँ हम आपके समक्ष उन कारणों को रखेंगे जिनके कारण राजा पीटर और कुंदन पाहन ने रमेश सिंह मुंडा की हत्या कर दी। रमेश सिंह मुंडा की हत्या में सबसे बड़ा कारण राजा पीटर की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का जागना और तमाड़ से विधायक बनने का सपना पालना था। वो जान गया था कि तमाम कोशिशों के बावजूद रमेश सिंह मुंडा के रहते वो विधायक नहीं बन सकता। रमेश सिंह मुंडा की हत्या में JLT को भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। कहते हैं जब रमेश सिंह मुंडा को ये एहसास हो गया कि कुंदन पाहन के नजदीकी राजा पीटर से हो गई है और वो उनको जीतने नहीं देगा, उन्होंने कुंदन पाहन को कमजोर करने के लिए मुरहू क्षेत्र में कार्यरत उग्रवादी संगठन JLT को तमाड़ में प्रवेश कराया। JLT के आने से कुंदन पाहन बौखला गया। उसे ये डर सताने लगा कि रमेश सिंह मुंडा के प्रभाव के कारण JLT का प्रभाव हो जाएगा और उसे क्षेत्र छोड़कर भागना पड़ेगा। रमेश सिंह मुंडा की हत्या में ये भी एक कारण था। जांच पड़ताल में ये तथ्य भी सामने आया है कि 2005 के चुनाव में कुंदन पाहन ने रमेश सिंह मुंडा से 50 लाख रुपए और 5 राइफलें मांगी थी। रमेश सिंह मुंडा ने कुंदन की इस मांग को अनसुना कर दिया। यही नहीं, रमेश सिंह मुंडा ने माओवादियों के आतंक के खिलाफ बुंडू बंद भी करवाया था और वहां पोस्टर भी लगवाए थे। इसके बाद कुंदन की आंखों पर वो पूरी तरह चढ़ गए। रमेश सिंह मुंडा की हत्या में एक महिला नेत्री की भूमिका भी संदिग्ध रही है। कहते हैं वो नेत्री कुंदन पाहन और राजा पीटर से मिल गई थी। मुंडा ने कहा था तमाड़ में पानी से सस्ता हो गया है खून। 30 जून 2008 को जब कुंदन पाहन के दस्ते ने बुंडू के DSP प्रमोद कुमार की हत्या कर दी तो रमेश सिंह मुंडा ने पूरी तरह से इसके लिए माओवादियों को जिम्मेदार बताया और ये बयान दिया था कि बुंडू तमाड़ में पानी से खून सस्ता हो गया है। माओवादियों के सफाई के बिना यहाँ अमन चैन कायम नहीं हो सकता। रमेश सिंह मुंडा का विधायक प्रतिनिधि था मसरुद्दीन। कहते हैं उसका बेटा टेलर था और कुंदन पाहन के दस्ते की वर्दी भी सिलता था। मसरुद्दीन रमेश सिंह मुंडा की मोटरसाइकिल लेकर जंगल में कुंदन पाहन से मिलने जाने लगा। वहां से वो वर्दी का ऑर्डर लाता था और सिलकर वहां पहुंचाता था। रमेश सिंह मुंडा ने उसे मना कर दिया। जब उसने उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने मसरुद्दीन को विधायक प्रतिनिधि पद से हटा दिया। कहते हैं इसके बाद मसरुद्दीन भी रमेश सिंह मुंडा के खिलाफ हो गया और उसने आग में घी का काम किया। हत्या में एक और कारण रहा कांची नदी से बालू का उठाव। एक और बड़ा कारण था माओवादियों के खिलाफ पुलिस का सक्रिय हो जाना।
नक्सलियों की गतिविधियों की जानकारी मिलते ही पुलिस की छापेमारी शुरू हो गई थी। पुलिस ने अपने मुखबिर के माध्यम से कुंदन पाहन की गतिविधियों पर रोक लगानी शुरू कर दी थी। कुंदन पाहन और राजा पीटर को लगा कि ये सारा कुछ रमेश सिंह मुंडा के इशारे पर ही हो रहा है। रमेश सिंह मुंडा की हत्या में एक और कारण रहा कांची नदी से बालू का उठाव। पहले बालू पर कुंदन पाहन ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था और उसमें राजा पीटर को भी शेयर मिलता था, लेकिन बाद में रमेश सिंह मुंडा ने प्रशासन की मदद से अपने समर्थकों को वहां सक्रिय कर दिया, जिससे कुंदन पाहन का आर्थिक स्रोत कट गया। 2005 के बाद माओवादियों की सेंट्रल कमेटी का शीर्ष नेतृत्व अड़की तमाड़ में ही डेरा जमाए हुए था। रमेश सिंह मुंडा के विरोध के कारण कमेटी अपने को असहज महसूस कर रही थी। सेंट्रल कमेटी को लगा कि रमेश सिंह मुंडा के रहते अब ये क्षेत्र उसके लिए सुरक्षित नहीं है। कमेटी के लोग किसी दिन पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे, लिहाजा कुंदन पाहन को उसने शह दे दी। फिर तो राजा पीटर ने रमेश सिंह मुंडा के बॉडीगार्ड शेषनाथ सिंह को पटा लिया और कुंदन पाहन से मिलकर उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। ये बातें NIA की जांच में स्पष्ट हो चुकी है और आजाद सिपाही इसे आपके पास पहुंचा चुका है। आगे हम बताएंगे बैंक लूट के पैसे मिलने के बाद कैसे कुंदन पाहन MCC से धीरे धीरे कटने लगा और अपना स्वतंत्र वर्चस्व बनाने लगा। इसमें नक्सली राजेश टोप्पो भी एक बड़ा कारण था, जिसकी हत्या कुंदन पाहन ने कर दी थी। कहा तो ये भी जाता है कि नक्सली तुलसीदास की हत्या भी कुंदन पाहन ने ही करवा दी थी, क्योंकि राजेश टोप्पो और तुलसीदास ने शीर्ष नेतृत्व को कुंदन पाहन की गतिविधियों के बारे में काफी कुछ बता दिया था। हम धनंजय सिंह मुंडा हत्याकांड पर से भी पर्दा उठाएंगे। धनंजय सिंह मुंडा के बारे में भी कुंदन पाहन को लगने लगा था कि वो पुलिस का मुखबिर बन गया है। आज के खबर विशेष में बस इतना ही। आगे हर दिन अनकही कहानी के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। बाकी की खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में एक बेल आइकन होगा जिसे आप प्रेस करेंगे तो जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी सूचना आप तक पहुंचेगी। जुड़े रहिए आजाद सिपाही से। धन्यवाद।